गुरुग्राम में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित हुई 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने महिला और पुरुष वर्ग के विभिन्न आयु वर्ग की स्पीड और फिगर स्केटिंग प्रतिस्पर्धाओं में कुल 21 पदक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया। 18वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 250 से अधिक के खिलाड़ियों ने स्पीड फिगर और स्क्रोनाइज स्केटिंग की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और अपने अपने वर्गों में मेडल हासिल कर अपना और उत्तराखंड का नाम रोशन किया। तो अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2023 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य के 10 वर्ष के छोटे होनहार स्पीड स्केटर ओजस तेनचिंग धर्मशस्तु और फिगर स्केटर अमिताभ सिंह ने भी सभी को हैरान किया है। उत्तराखंड के लिए यह प्रतियोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि जब स्पीड एडवांस स्केटिंग की स्पर्धा में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी अस्तित्व डोभाल ने अपने जीवन का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार में भी मांग की है कि एक आइस फ्लोर इस खेल के लिए उपलब्ध कराया जाए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो प्राकृतिक तौर पर हमारे पास जो रिंक हैं, जो उपलब्ध हैं या जो हम बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो हैं इन लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे टाइम टू टाइम और टाइम टू टाइम कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास अरेना नहीं था तो हम स्टेट का कंपटीशन भी नहीं कर पाए। तो एक तो ये तरीका है कि जितनी भी हमारी हाई एल्टीट्यूड की डिस्ट्रिक्ट हैं, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, कम से कम इन चार डिस्ट्रिक्ट में हम प्रयास ये करेंगे कि एक ओपन रिंक हमारे पास हो। चमोली में ऑलरेडी एक ओपन रिंक ओली में है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ।